एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान का लड़का और एक टॉप हीरोइन। लड़का एक नजर में हीरोइन को दिल दे बैठा, उसके आगे पीछे घूमने लगा। मैरी मी, मैरी मी, मैरी मी, शादी कर लो मुझसे, रानी बना के रखूंगा। हीरोइन उसे टालती रही, ये सोच के कि बड़े घर का बेटा है, एक दिन इश्क का बुखार उतर जाएगा। लेकिन जो उतर जाए वो बुखार है, और जो एक बार चढ़ के जिंदगी भर ना उतरे वो प्यार है। शम्मी कपूर को गीता बाली से सचमुच प्यार हो गया था। एक रात दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे, शम्मी जी फिर शुरू हो गए, मैरी मी, मैरी मी, मैरी मी। तंग आके गीता जी बोली, ठीक है तुम्हें शादी करनी है ना, चलो शादी करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अभी करनी होगी, इसी वक्त। शम्मी जी सोच में पड़ गए, आधी रात के वक्त शादी, न कोई मंदिर खुला होगा, ना कोर्ट, कैसे करेंगे? लेकिन ऑफर तो बस एक रात के लिए वैलिड है, चूक गए तो चूक गए। उन्होंने एक दोस्त को फोन किया, उसने आधी रात में एक पुजारी को जगाया, मंदिर खुलवाया और शादी की विधि शुरू हो गई। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पता चला कि सिंदूर तो लाई नहीं, दुल्हन की मांग कैसे भरेंगे? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बनी बनाई बात बिगड़ने ही वाली थी। लेकिन शम्मी जी ठहरे इम्प्रोवाइजेशन के चैंपियन, फौरन इम्प्रोवाइज किया, गीता जी का पर्स खोला, उनकी लिपस्टिक निकाली और भर दी मांग लिपस्टिक से। जज्बात सच्चे थे तो लिपस्टिक में भी सिंदूर की सुर्खी उतर आई। राजा रानी की कहानी जैसा था दोनों का प्यार, लेकिन इस मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी रही। शादी को सिर्फ 10 साल हुए थे जब अचानक गीता ने हमेशा के लिए अपने शम्मी का हाथ छोड़ दिया और दूसरी दुनिया में चली गई। शम्मी जी को बहुत दिनों तक तो यकीन ही नहीं हुआ कि गीता नहीं रही, अभी तो यहीं थी, यहीं मेरे पास। ना हाथ थाम सके, ना पकड़ सके दामन, बहुत करीब से उठकर चला गया कोई। ये गाना जो आशीष आपके लिए गाने वाले हैं, ये वो पहला गाना था जो शम्मी जी ने गीता के जाने के बाद शूट किया। शम्मी जी कहते थे, ये गाना शूट करते हुए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ गीता थी, मैंने एक एक शब्द उनके लिए गाया और मेरा एक एक इमोशन मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया। गीता जब दुनिया से गई, शम्मी कपूर की उम्र सिर्फ 34 साल थी, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। लिपस्टिक से भरी हुई मांग का वादा मरते दम तक निभाया। लहू और इश्क, रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा रुक गई, ज़मीं थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा, कहीं दर्द के सहरा में हंसते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई ज़ुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा रुक गई, ज़मीं थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा जा, चरण कमल परवारी, हे गोपाल।
तुरे चरण कमल परवारी। रोंगटे खड़े हो जाते जब भी ये परफॉर्मेंस देते हैं यार, जोरदार ताले हो जाए। 1950 से 1975 इसे हिंदी सिनेमा और संगीत का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसे गोल्डन बनाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, श्री मदन मोहन। मदन जी एक फिल्म कर रहे थे जो कि एक सुपरनेचुरल थ्रिलर थी। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला जी एक दिन गाने सुनने के लिए मदन जी के घर पे आए। मदन जी ने हारमोनियम पर एक धुन छेड़ी जो राज साहब को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मदन यार मजा नहीं आया, कुछ और सुनाओ। मदन जी उस धुन के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुके थे। उन्होंने बात दिल पर ले ली और बोले, दूसरी धुन तो मेरे पास है नहीं और मैं आपकी पिक्चर भी नहीं करूंगा। राज साहब को भी बहुत खराब लगा, ये क्या बात हुई। वो चुपचाप लौट आए और दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढने लगे। इस दौरान एक अजीब सा वाकया हुआ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन राज खोसला के दिमाग से वो धुन नहीं उतरी जो उस दिन वो रिजेक्ट करके आ गए थे। सुबह उठते तो हारमोनियम पर छेड़ी हुई वही मेलोडी कानों में बजती रहती और सोते तो सपने में भी वही धुन सुनाई देती। राज खोसला भूतिया फिल्में बनाने के लिए बड़े मशहूर थे। आयरनी देखिए, वो खुद एक हॉन्टिंग से गुजरने लगे, एक धुन उन्हें रात दिन हॉन्ट करने लगी। पर मदन मोहन के पास वापस कैसे जाएं? मदन जी बड़े जिद्दी, एक बार ना कर दिया तो कर दिया। थक हार के राज खोसला ने फिल्म के हीरो श्री मनोज कुमार से मदद मांगी, क्योंकि मनोज कुमार और मदन मोहन में बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। राज साहब जानते थे कि मदन मनोज कुमार को मना नहीं करेंगे। हुआ भी यही, मदन जी एक बार फिर मिलके वो धुन सुनाने को तैयार हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये आखिरी बार है। मदन जी ने फिर से पेटी पर गाना सुनाना शुरू किया और ऐसा कहते हैं कि इतने बड़े फिल्म मेकर राज खोसला बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगे। मदन जी के आगे उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैंने ऐसी धुन को रिजेक्ट किया, गुनाह किया है मैंने, जो सजा चाहो मुझे दे दो, मंजूर है, लेकिन मदन ये गीत मुझसे मत छीनो। गीत रिकॉर्ड और रिलीज हुआ। आज 57 साल गुजर चुके हैं इसे रिलीज हुए, लेकिन आज भी लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के ये बोल अगर एफएम पर बज जाएं तो हर सुनने वाला राज खोसला बन जाता है, वैसे ही रो पड़ता है जैसे उस दिन राज खोसला रोए थे। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।
आशा भोसले जी और आडी बर्मन दोनों का प्यार शादी में बदल चुका था. जिंदगी हंसी खुशी साथ साथ गुजर रही थी. एक रात पंचमदा बहुत देर तक पीते रहे. आशा जी को ये बात पसंद नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए. अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम सबको पता है, कोई डाउट तो है नहीं. आशा जी के बार बार मना करने के बावजूद पंचमदा माने नहीं, ग्लास पे ग्लास भरते रहे. आशा जी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और वो रूठ के अपनी माँ के घर चली गई. आशा गई तो पंचम का सारा नशा हवा हो गया. उनको लगा जैसे आशा नहीं उनके सुर रूठ गए. आधी रात बीत चुकी थी फिर भी आशा जी को उन्होंने फोन किया. बड़ी मुश्किल से आशा जी फोन पे आई तो पंचम ने कुछ कहा नहीं, बस गाना शुरू कर दिया. जाने क्या बात है नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है नींद नहीं आती. आशा को पंचम के गाने ने अंदर तक चीर दिया. तड़प के बोली, आ जाओ पंचम, ले जाओ मुझे, आज दोनों मरीन ड्राइव का डूबता हुआ चांद एक साथ देखेंगे. बहुत ही बढ़िया बोले, बहुत ही बढ़िया. क्या लिखा? जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है. नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने जाने क्या बात है. क्या बात है, जाने क्या बात है. नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है. सारी सारी रात मुझे किसने जगा, जैसे कोई साया. कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है. जाने क्या बात है, जाने क्या बात है. नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है. नींद नहीं बड़ी लंबी रात है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.